नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। जमुई के सीमा के बाद अब खगड़िया जिले के गोगड़ी के रहने वाली सोनाक्षी को भी मदद की दरकार है। हालांकि कई लोग सामने भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर निकला। हालांकि सोनू सूद ने खुद उससे फ़ोन पर बात की और हर तरह के आश्वासन दिया है। एक पाँव से दिव्यांग बच्ची सोनाक्षी के मजबूत हौसले के बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है। सोनाक्षी को बड़े होकर अधिकारी बनना है। पैरों से दिव्यांग सोनाक्षी अपने सपने को पूरा करने के लिए हर रोज स्कूल जाती है, अपने सारे काम खुद ही करती है। एक पैर के सहारे चलने वाली इस लड़की को देखिए। ये पैर से तो दिव्यांग ज़रूर है, मगर हौसले से नहीं। पढ़ाई का जुनून इस लड़की पर इस कदर हावी है कि बिना सहारे के घर से स्कूल तक का सफ़र खुद ही तय करती है। हौसले से लबरेज इस बच्ची को न तो घर का आर्थिक हालत के दयनीय होने का मलाल है और न ही पैर से दिव्यांग होने का गम। इससे इंतज़ार है तो सरकारी सहायता की, जिससे यह शिक्षा हासिल कर अपने सपनों को पूरा कर सके। किस क्लास की छात्रा है? 7। आगे क्या बनना चाहती है? आगे हम पढ़ाई पूरा करके माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ। जज्बा और हौसले के साथ दिव्यांगता को मात देने वाली लड़की की ये तस्वीर बिहार के खगड़िया जिले के गोगड़ी की है, जहाँ दिव्यांग छात्रा सोनाक्षी घर से स्कूल तक का सफर खुद ही तय करती है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली इस छात्रा को भले ही भगवान ने दिव्यांग बनाया हो, पर हौसले से नहीं। सोनाक्षी के पिता की माली हालत ऐसी नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके और उसका कृत्रिम पैर लगवा सके। ऐसे में उन्हें सरकार की मदद का इंतज़ार है, ताकि उनकी बिटिया के सपने साकार हो सके। अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे ऊपर पढ़ाने की क्षमता नहीं है, जिससे सरकार से कुछ सहायता मिल जाए जो कि बच्चे को आगे पढ़ाने की लालसा। लक्ष्य और उम्मीद के सहारे जीवन जी रही सोनाक्षी खुद शिक्षा हासिल कर रही है, साथ ही साथ उन दिव्यांग बच्चों के लिए मिसाल पेश कर रही है जो दिव्यांगता को अभिशाप मान अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये थी दिव्यांग सोनाक्षी, जो एक पैर से अपने स्कूल जाती है, सारा काम खुद करती है। हालांकि उसे मलाल है तो कोई उसे सरकारी मदद कर सके। अब देखना ये होगा कि अब सोनाक्षी को सरकार किस तरह मदद पहुंचाती है।